हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बीएचयू पाठशाला चैनल में स्वागत है। दोस्तों, मैं आपको फिर से एक बार इंट्रोड्यूस करा दूं कि बीएचयू पाठशाला एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो बीएचयू और अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया का प्रिपरेशन कंटिन्यू लगभग 1.5 महीने से कंटिन्यू करा रहा है, ठीक है। और उसके बाद गवर्नमेंट एग्जाम्स के भी प्रिपरेशन करा रहा है। ये जो कोर्स है आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों में अवेलेबल है। इन द वाराणसी ऑफलाइन सेंटर सुंदरपुर में है, निवाड़ा के पास मेन रोड पे ही है। कोई अगर विजिट करना चाहता है, कोई इंटरेस्टेड है, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, जाके वहां से लिंक पे कॉल कर सकता है और मुझसे पूछ सकता है। बाय द वे, आज का जो एक इंफॉर्मेटिव वीडियो है वो बीएचयू की रिजर्वेशन सीट पे है। मींस बीएचयू की जो सीट होती है उसकी रिजर्वेशन कैसे वर्क करता है, इस चीज को हम बहुत ही जल्दी सीखने की कोशिश करेंगे। बाय द वे, इस वीडियो का कोई ज्यादा मोटो नहीं होना चाहिए अपने दिमाग में, क्योंकि जिसको एंट्रेंस में आना है अगर रिजर्वेशन के फंडाबस मंदी के चक्कर में पड़ेगा तो नो डाउट वो चीजों को ना समझ पाएगा और खामा खा क्या होगा, डाइवर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये बस इसलिए मैं समझाना चाह रहा हूँ कि आपके दिमाग में फिर भी आप बीएचयू में आ रहे हो तो यू हैव नॉलेज अबाउट द रिजर्वेशन ऑफ बीएचयू सीट, ओके। तो चलिए थोड़ा सा इसको हम जल्दी समझने की कोशिश करते हैं। और हाँ, मैं जनरली बोलता नहीं हूँ अपने वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि आप ऐसे ही कर देंगे, तो प्लीज सच में बिना बोले कर देंगे तो अच्छा लगता है। तो अगर आप सच में अच्छा लगता है, इसके पहले बहुत सारे वीडियोस गए हैं, उन सबको देखिए। इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी है, हम नॉलेज की वीडियो भी बनाते हैं, कोर्स भी लगा चला रखा है ऑनलाइन और ऑफलाइन, और ऑनलाइन मेरा फ्री भी है। तो इन सब चीजों को थोड़ा सा माइंड में रखते हुए अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज शेयर किया कीजिए, जिससे और लोगों तक ये वीडियोस पहुंच सके, ठीक है। तो रिजर्वेशन जो है इसको हम समझते हैं, ठीक है। बीएचयू का रिजर्वेशन, सबसे पहले तो जो इंडियन गवर्नमेंट का रिजर्वेशन होता है, जो क्राइटेरिया है रिजर्वेशन का, वो तो यहाँ पे फॉलो होगा। वो क्या है, ओबीसी के लिए, सॉरी, ठीक है, ओबीसी के लिए कितना परसेंट है, 27%, ठीक है। उसके बाद आता है आपका एससी से पहले, हाँ एससी ले लेते हैं, कितना परसेंट, 15%, ठीक है। एसटी के लिए कितना परसेंट, 7.5%, ठीक है। बचा हुआ जनरल का, ठीक है। तो इस तरीके से इंडियन गवर्नमेंट का जो रिजर्वेशन कोटा होता है, जो क्राइटेरिया है, वो तो बीएचयू की सीट पे फॉलो होगा। कहां पे फॉलो होगा, बीएचयू की सीट पे। लेकिन बीएचयू थोड़ा सा अपने आप को एडवांस बना रखा है, इवन हर यूनिवर्सिटी अपने आप को एडवांस बना रखी है किसी क्राइटेरिया में, तो इनके पास कुछ एक्स्ट्रा सीटें होती है। एक्स्ट्रा सीट को सुपर न्यूमेरी सीट बोलते हैं, मीन्स आप बोल सकते हो कि इलीगल सीट, ऐसी सीट जो कि इंडियन गवर्नमेंट प्रिफर नहीं कर रही है, यूनिवर्सिटी खुद प्रिफर कर रही है, क्या एडमिशन प्रमोट करने के लिए, कि बच्चे ज्यादा एडमिशन ले सके, ठीक है। तो जैसे कि इन्होंने क्या रखा है, सुपर न्यूमेरी सीट में 15% बीएचयू इम्प्लाई, जो भी बीएचयू में इम्प्लाई जो प्रोफेसर हैं या फिर जो भी वहां पे वर्क करते हैं, जिनको ऐसी यूनिवर्सिटी ऑपरेट होती है, उनके बच्चे भी एडमिशन ले सके, उनके लिए 50% सीट क्या कर रखा है, बढ़ा के रखा है। बीएचयू में जो सीट होगी उसकी अप टू 50% सीट पे बीएचयू इम्प्लाइड बच्चे एडमिशन ले सकते हैं, अप टू 50% तक। मतलब मैक्सिमम 100 पे 15 सीटें पे 100 पर 15% निकालेंगे, मतलब 100 में अगर लिया तो अभी 100 हमारा टच नहीं होगा, ये हमारे लिए सीट बनी हुई है, इसका 15% निकालेंगे तो ये 15 आएगा। तो इस 15 सीटों पे लगभग क्या होगा, बीएचयू के इम्प्लाई वाले बच्चे एडमिशन ले सकते हैं। ये 100 का 15%, मतलब इसमें जुड़ा हुआ नहीं है, अलग का 15% है। ऐसे ही आपका 15% पेड सीट पे एडमिशन होता है। पेड सीट का फंडा ये है कि जो लोग पेड सीट पे एडमिशन लेते हैं उनका फीस ज्यादा होता है, क्योंकि इनका जो फीस होता है वो कहाँ जाता है, यूनिवर्सिटी के फंड में जाता है, मैनेजमेंट में जाता है, ठीक है। तो जैसे कि मेरा एक साल का जो फीस है 3,000 रुपए है, तो इनको 3,000 तो देना ही पड़ेगा, साथ में जो यूनिवर्सिटी में जो फंडिंग के पैसे होंगे, जो एक बनाया गया होगा सपोज की 10,000 रुपए, तो इनको 13,000 रुपए टोटल देना पड़ेगा। ऐसा है पेड सीट का क्राइटेरिया। फिर कभी मैं पेड सीट को अच्छे से क्या करूंगा, क्लियर कर दूंगा। फिर उसके बाद है 15% ICAR, ये बस एजी के लिए है। कहां के लिए है, एजी के लिए, मींस एजी की जितनी भी सीट होगी, सपोज 250 सीट अगर एजी में होती है, तो एजी के 250 सीट पे 15% जो सीट है वो ICAR के थ्रू एडमिशन होगा, ठीक है। वैसे ही फिर आपका हम थोड़ा समझते हैं स्पोर्ट कोटा के बारे में। देखिए, स्पोर्ट कोटा एक इंटरेस्टिंग फैक्टर है बीएचयू एंट्रेंस है किसी भी यूनिवर्सिटीज के लिए, क्योंकि अगर आपके पास कोई नेशनल लेवल का स्पोर्ट है तो मुझे लगता है कि आपको
क्या कोटा यूज करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हो सकता है फिर आपका एडमिशन चांसेस बढ़ जाए। सॉरी, देखिए जो 15% सीट है वो फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस आर्ट्स फैकल्टी में है, सबसे ज्यादा स्पोर्ट कोटा की सीट आर्ट्स फैकल्टी में रखी गई है, 15 सीटें लगभग रखी गई है। वैसे ही 5 सीटें आपकी रखी गई है कॉमर्स फैकल्टी में, ठीक है, वैसे ही 4 सीटें रखी गई है एग्रीकल्चर में, ठीक है, वैसे ही 2 सीटें रखी गई है एसबीडीवी और बाकी जगहों पे, वैसे ही 4 सीटें आपकी रखी गई है एएमपीजी आर महिला पीजी कॉलेज में, ठीक है, उसी तरीके से 10 सीटें रखी गई है महिला महाविद्यालय में, उसी तरीके से 12 सीटें रखी गई है डीएवी में, 4 सीटें रखी गई है डीकेएम में और 4 सीटें रखी गई है बीएफडीसीडब्ल्यू में, ठीक है। मीन्स कहने का मतलब ये है कि अगर किसी के पास कोई स्पोर्ट सर्टिफिकेट है तो मुझे लगता है कि उनको इसका यूज करना चाहिए, ठीक है। इसमें बहुत ज्यादा चीज, अब मैं एग्जांपल लूं 100 बनाऊं फिर उसको समझाऊं, डजंट मैटर, कोई काम की चीज नहीं है, फालतू खामा खा अपना टाइम लॉस करेंगे, बस आप इन सब चीजों को थोड़ा सा दिमाग में रख लीजिए, इतना बहुत है, ठीक है। रिजर्वेशन को समझना बहुत मुश्किल चीज है, सही तरीके से समझना हो तो आपको ज्वाइन करना चाहिए कॉमर्स, और उसमें स्टैटिक्स में आपको बहुत सारे डिवाइसन पढ़ने का मौका मिलेगा। बाय द वे, इस वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करते हैं किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो अदरवाइज लेक्चर के बारे में, और वीडियोज पे बनी रहिए, कोशिश कीजिए कि आप अपनी प्रिपरेशन जितना अच्छा हो सके लीजिए और मेरे से जितना हेल्प हो सके लीजिए, मैं यहाँ पे अवेलेबल हूँ फॉर यू एंड यू ऑल, यू कैन टेक्स्ट मैसेज, यू कैन व्हाट्सअप, अदरवाइज इन इमरजेंसी यू कॉल मी फॉर एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट द BHU एंड अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज ऑफ इंडिया। ओके, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।